भारत जोड़ो यात्रा आई एम स्टेट कोऑर्डिनेटर और आई एम सुहित शिव वसीम सर यम जन कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक कहीं जरूरत क्या है बहुत बढ़ोमुत ये इलाकस मस खसूस गुमत घर तो यह खुशकस्मत इंज कज गो पे लॉकडाउन बड़े सारे मुलाकात पार्टी के और बीजेपी के बारे में रही आज वहां भी भाजपा की सरकार बहनें माताएं बुजुर्ग मेरे युवा साथी और प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी ठंड में भी पार्टी और अनीसा गुल जी के लिए यहां बैठे हैं मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। आज ब्रह्मपुरा के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में 29 तारीख को आ रही है और 30 तारीख को जो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है उसका न्योता देने यहाँ पर लोगों को उस यात्रा में शामिल होने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में 29 तारीख को ब्रह्मपुरा के लोग यहाँ वहाँ पहुँचे उसके लिए ये एक छोटी सी मीटिंग हमने रखी और यहाँ पर अनीसा गुल जी ने जो यहाँ के इनके लोग हैं उनको भी इकट्ठा किया और उनको हमने न्योता दिया कि आप 29 तारीख को पूरी तादाद में आकर भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। आज की जो यहाँ पे प्रोग्राम था ये भारत जोड़ो यात्रा के रिलेटेड था कि जम्मू कश्मीर की वादियों में ऑल इंडिया कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे और एमपी थे जनाब आदरणीय राहुल गांधी जी जो अपनी यात्रा लेके दिल्ली से कन्याकुमारी से कश्मीर आ रहे हैं उनके लिए हमने यहाँ पे आज छोटी सी मीटिंग की उनके सम्मान के लिए उनके वेलकम के लिए हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और बहरमपुरा के जितने भी लोगों ने आज यहाँ पे मेरा साथ दिया है एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे जो भी मसलात हैं इनके जो भी मामलात हैं इनके सारे मामलातों को देखिए इनके मसाइल को देखिए और बहरमपुरा के लोगों से मेरी गुजारिश है मेरा निवेदन है कि वो मेहरबानी करके 30 तारीख को राहुल जी की यात्रा में कदम रखे शमूलियत करे और यहाँ का एक मसला है जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऑर्डर निकाला है कि लैंड निकाल दी जाएगी ये जो गरीब लोग हैं ये मुझे बताइए ये नरेंद्र मोदी के घर जाएंगे या ये लोग कहाँ जाएंगे ये स्मृति ईरानी के घर जाएंगे या कहाँ जाएंगे पीसी के घर जाएंगे कहाँ जाएंगे इसलिए कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ेगी ये लोग जहाँ हैं वहीं रखेंगे वहीं रहेंगे इनकी ज़मीनें नहीं ली जाएंगी शुक्रिया।